एक नई कार खरीदते वक्त हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, किसी के लिए डिजाइन नंबर वन प्रायोरिटी है तो किसी के लिए फीचर्स, कोई तो सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार चाहता है। लेकिन अगर आपका बजट 10 लाख के नीचे है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए एक चीज बहुत जरूरी हो जाती है, दैट इज द फ्यूल एफिशिएंसी और द माइलेज ऑफ दैट कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दिव्यम और आप देख रहे हैं बाहु चैनल, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल इंजन दैट आर करंटली ऑन सेल इन इंडिया, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो किन किन कार्स में अवेलेबल है एंड ऑफ कोर्स उन कार्स की प्राइसेस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, एंड एज ऑलवेज यू कैन वॉच यूजिंग द टाइम स्टैम्प्स गिवन बिलो। नंबर 10 इज द निसान HR12DE 1200cc इंजन जो प्रोड्यूस करता है 67 bhp पीक पावर एंड 104 bhp पीक टॉर्क। ये इंजन करंटली डैटसन गो और डैटसन गो प्लस में यूज किया जा रहा है जो आपको 4.5 टू 8 लाख की ऑन रोड प्राइस रेंज में मिल जाती है, एंड द फ्यूल एफिशिएंसी रेंजेस फ्रॉम 18.6 kmpl टू 19.6 kmpl ARAI टेस्टेड। मूविंग ऑन, नंबर 9 पे है टाटा 1200cc रेवेट्रॉन इंजन विद डिसेंट 84 bhp पीक पावर एंड 130 न्यूटन मीटर्स पीक टॉर्क। इस इंजन का मजा लेने के लिए आपको लगभग 5.5 लाख से 10 लाख तक स्पेंड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर वेरिएंट दैट यू आर ऑप्टिंग, एंड ड्यू टू मेनी डायनेमिक फैक्टर्स सेम इंजन तीनों कार्स में अलग अलग फ्यूल एफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है विद अ मैक्स क्लेम ऑफ 20.03 kmpl फॉर टाटा टिगोर। नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 8 पोजीशन, इट इज स्लाइटली अनएक्सपेक्टेड सुजुकी K15B पेट्रोल इंजन। नाउ हम सब जानते हैं कि सुजुकी के इंजन फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक 1500cc का इंजन और उसमें भी आप 20 प्लस की फ्यूल एफिशिएंसी अचीव कर पा रहे हैं, नाउ दैट्स रियली इंप्रेसिव। ऑल्दो दिस माइट बी लिटिल डिसीविंग क्योंकि सियाज में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज होता है जिसकी वजह से आपको एक एक्स्ट्रा माइलेज देखने को मिलती है, बट अपार्ट फ्रॉम सियाज दिस इंजन इज ऑल्सो बीन करंटली यूज इन द ट्विन्स XL6 एंड अर्टिगा and the compact SUV of the brand Vitara Brezza. With a peak power of 103 bhp and peak torque of 138 newton meters, ye engine Brezza mein sirf 18.76 kmpl ka hi max fuel efficiency achieve kar pata hai as per ARAI claims. And that is obvious kyunki Brezza mein Ciaz ki tarah SHVS technology ka use nahi hota, and of course Brezza is a lot heavier than Ciaz. Aur iske ilawa bhi kafi sare dynamic factors hain jo fuel efficiency ko control karte hain. But anyways, moving to the next spot, that is number 7. Is the Nissan Mitsubishi K-Vehicle Source VR08DE engine with peak figure of 54 bhp and 72 newton meters. Engine ko use kiya ja raha hai Renault Kwid and Datsun Redigo base trims mein with a price bracket of 3.5 to 5 lakh. This is probably the cheapest engine aur hona bhi chahiye kyunki 800cc ka engine aap opt kar rahe hain, lekin gaadiyon ka size bhi kafi chota hai jiski wajah se aapko chote size ka engine bhi kafi punchy feel ho sakta hai. The mileage claim is identical 20.71 kmpl ARAI test. Dekhte hain number 1 spot tak aate aate mileage claim kitna badhta jata hai. But that said, let's move to number 6 position jo hold kiya hai Hyundai ke Kapa engine ne, a 1200cc inline 4 cylinder engine with industry standard peak figures of 82 bhp and 114 newton meters. ये सेम इंजन आपको 6 लाख से शुरू होने वाली ग्रैंड आइटन नियोस से लेकर 11.5 लाख वाली i20 में भी देखने को मिल जाएगा, एंड ऑल्सो इन Hyundai Aura एज वेल एज Hyundai Venue। एंड आपकी रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि i20 और Venue में इसके अलावा भी एक पेट्रोल इंजन यूज किया जाता है, दैट इज द 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सैडली वो इंजन इस लिस्ट में नहीं आ पाया, बट टॉकिंग अबाउट दिस इंजन द माइलेज क्लेम इज बेस्ट इन ग्रैंड आइटन नियोस एंड ऑरा स्टैंडिंग एट 21 kmpl ARAI and worst in Venue claiming 17.52 kmpl ARAI test. Again same engine but different claims. Now moving on to number 5 spot, another Suzuki engine, this time a 1200cc K12M VVT petrol engine. Performance figures Hyundai Kapa engine se kafi milti julti hain with a peak power of 82 bhp and peak torque of 130 newton meters. Ye engine aapko Baleno aur Wagoneer ke selected variants mein aur Ignis ke sabhi variants mein mil jayega. With a price range that spreads across 5.5 lakh for Ignis base trim till 10.12 lakh for Baleno top trim, fuel efficiency claim almost tino cars mein similar hai, but if we talk about the maximum, it is for Baleno manual at 21.01 kmpl ARAI certified. Moving on to number 4 is yet another Suzuki's engine, this time 1 liter K10B motor. Definitely engine size thoda chota hai to peak figures bhi reduce ho jati hain. बट देन इस इंजन को यूज भी छोटी कार्स में किया जा रहा है लाइक सिलेरियो, वेगनार एंड एस्प्रेसो। अगर आपको याद हो हमने अभी अभी वेगनार को K12M मोटर के साथ भी देखा था, सो वेगनार इज वन ऑफ द फ्यू कार्स जो आपको 1 लीटर और 1.2 लीटर दोनों ही पेट्रोल इंजन के साथ ऑफर की जाती है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, जहां पे आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, सो यू कैन स्पेंड
4.16 lakh in the Espresso base trim till 6.33 lakh for Celerio top end variant, जहाँ पे आपको ये engines देखने को मिल जाएंगे. And the maximum mileage claim is roughly 21.8 kmpl ARAI tested in Wagoneer manual as well as automatic variant. Any guesses for number 3 spot? It is again Nissan Mitsubishi K vehicle sourced BR10DE petrol engine. The peak figures this time have improved a lot क्योंकि एक 1 liter size engine है, लेकिन use Squid और Redigo में किया जा रहा है. Obviously इन दोनों cars के higher trims में ही आपको engine देखने को मिलेगा, but surprisingly 200cc ज्यादा होने के बावजूद भी ये इंजन 800cc से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है. एंड वी कैन सी द मैक्सिमम क्लेम ऑफ 21.74 kmpl इन द क्विड मैनुअल वेरिएंट. नंबर 2 स्पॉट गोज टू सुजुकी F8D इंजन व्हिच इज यूज्ड इन वन ऑफ द चीपेस्ट एंड हाईली सेलिंग कार इन इंडिया, मारुति सुजुकी ऑल्टो. ये इंजन आपको 3.33 लाख से लेके 4.6 लाख की प्राइस रेंज में अवेलेबल हो सकता है. अगर आप गौर करें तो इस लिस्ट में हमने दो बारी 800cc इंजन की बात की है, एक वो जो क्विड और रेडिगो में यूज हो रहा है और एक ये जो ऑल्टो में यूज हो रहा है. वैसे देखा जाए तो सुजुकी का इंजन रिलेटिवली परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा वीक दिखता है, बट देन यू कैन सी अ बेटर फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम ऑफ 22.05 kmpl ARAI सर्टिफाइड. एंड फाइनली कम द नंबर 1 स्पॉट. डिड यू गेस इट? Obviously it's from Suzuki, लेकिन हमने यहाँ पे already उनके 1500, 1200, 1000 and 800cc के engines इस list में cover कर लिए हैं. तो कौन सा ऐसा engine है जो अभी भी रह गया? Well, अगर engine नहीं तो आप गाड़ी को तो guess कर सकते हैं. India's most fuel efficient car कौन सी है petrol engine में? Well, if your answer is Desire, then you are absolutely correct. And the engine is same 1200cc with the dual jet technology. And due to this technology only, K12N engine ना सिर्फ आपको एक better peak figure deliver करता है, but साथ ही साथ class leading mileage भी produce करके देता है. The engine is currently being used in only 3 cars, Desire, Baleno and Swift. Baleno is bit costly with this engine, क्योंकि पहली बात तो वो एक premium hatchback है, दूसरा उसके जो base trims हैं, उसमें आपको regular K12M series का engine देखने को मिलता है, और ये जो dual jet technology वाला engine है K12N, ये उसके कुछ सिलेक्टेड टॉप वेरिएंट्स के लिए ही रिजर्व किया गया. लेकिन डिजायर और स्विफ्ट इन दोनों कार्स में आपको थ्रू आउट अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स यही सेम इंजन देखने को मिलता है. एंड विद द प्राइस रेंज ऑफ रफली 6.5 लाख टू 9.5 लाख आपको ये गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी विद दिस इंजन. एंड द बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी क्लेम टैग इज विद डिजायर ऑटोमेटिक ट्रिम्स एंड द क्लेम इज 24.12 kmpl ARAI सर्टिफाइड. सो फ्रेंड्स, ये थे वो 10 सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और 23 सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल कार्स. वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करते जाना. पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ. और मैं आपसे जल्द मिलूंगा फिर से एक नए वीडियो में. टिल देन,